नमस्कार, आप देख रहे हैं के हरियाणा और आप सभी का स्वागत है डेली हलचल में। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। विधायक रामचंद्र कंबोज ने किया कई गांवों का दौरा, बोले पशुपालकों की होगी सभी मांगे पूरी। प्रदेश में पहला किसान फ्रेश ऐप हुआ लॉन्च, बिचौलियों की भूमिका होगी खत्म, किसान उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकेंगे उत्पाद। एक्सटेंशन लेक्चरर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, कांग्रेसी नेता कुलदीप सिंह गदराना ने भी दिया धरने का समर्थन। बिजवाली में चोरों का कहर, एक साथ टूटे दर्जन भर दुकानों के ताले, पुलिस जुटी जांच में। भागवत कथा के पांचवें दिन भी लगी रौनकें, भाजपा नेता सतीश जग्गा और बलदेव मांगियाना बने मुख्य अतिथि। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने रानिया व डवाली क्षेत्र में लगातार अज्ञात बीमारी के कारण हो रही पशुओं के मौत के मामले में संज्ञान लेते हुए मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। पशुपालकों के लिए एक राहत की खबर है। पशुपालकों को 25,000 रुपये दुधारू पशु के लिए और 5,000 रुपये बिना दूध देने वाले यानी छोटे पशु के मौत पर मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। तो ऐसे में लोगों ने इस फैसले को कितना स्वीकार किया है, लोगों का क्या कहना है। हालांकि कल रेणु शर्मा भी हमारे साथ आई थी, हमारे गाँव केरवाला में दौरा किया था, लेकिन उनका कहना था कि ये मुआवजा राशि जो है वो बहुत अच्छा कदम है जो इस सरकार ने इस फैसले को लिया है, तुरंत प्रभाव से इस फैसले को लिया गया, तो ये फैसला अच्छा है। रानिया हल्के के गांव कई गांवों में अज्ञात बीमारी के चलते हुई पशुओं की मौत का मुद्दा विधानसभा में उठाने के बाद रानिया के विधायक रामचंद्र कंबोज आज क्षेत्र के गांव केरवाड़ा में पशुपालकों से मिले। इस दौरान विधायक ने पशुपालकों की समस्याएं सुनते हुए कहा कि पशुपालकों को उनका पूरा हक मिलेगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने 25,000 रुपये दुधारू पशु की मौत तथा 5,000 रुपये छोटे पशुओं की मौत का मुआवजा देने की बात कही है, लेकिन यह मुआवजा कम है। ऐसे में उनकी ओर से पशुपालकों को पूरा मुआवजा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं उन्होंने डॉक्टरों की टीम से भी पशुओं में आई बीमारी के बारे में बातचीत की है। रानिया हल्के के गाँव कई गांवों में अज्ञात बीमारी के चलते हुई पशुओं की मौत का मुद्दा विधानसभा में उठाने के बाद रानिया के विधायक रामचंद्र कंबोज आज क्षेत्र के गांव केरवाड़ा में पशुपालकों से मिले। इस दौरान विधायक ने पशुपालकों की समस्याएं सुनते हुए कहा कि पशुपालकों को उनका पूरा हक मिलेगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने 25,000 रुपये दुधारू पशु की मौत तथा 5,000 रुपये छोटे पशुओं की मौत का मुआवजा देने की बात कही है, लेकिन यह मुआवजा कम है। ऐसे में उनकी ओर से पशुपालकों को पूरा मुआवजा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं उन्होंने डॉक्टरों की टीम से भी पशुओं में आई बीमारी के बारे में बातचीत की है। देखिए, लोगों का रिस्पॉन्स ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई राजनीतिक मसला नहीं है कि पार्टी का कोई मसला है। ये जो मसला है, एक जो कुदरत की बीमारी है, प्रकोप आया पशुओं पे, वो लगभग 5-6 गांव में जो आया है, तो ये लड़ाई जो है सरकार तक, मेरा जो काम था सरकार तक ये पहुंचाना था कि जेन्युइन जो दुधारू पशु हैं उनका एक्चुअली में जो कीमत है, आज अगर हम मार्केट में जाएं तो मार्केट रेट जो है 60,000 से लेके 1,00,000 का दुधारू पशु का रेट है भैंस का। अगर मुर्रा नस्ल की भैंस है तो वो 1,00,000 रुपए से ऊपर की भैंस मानी जाती है। तो मेरा सरकार तक यही पहुंचाना काम था कि अगर जो दुधारू पशु जिनकी मौत हुई है इस प्रकोप से, तो उन किसानों को 1,00,000 रुपया और जो दूसरे पशु हैं
छोटे पशु हैं उनका 25,000 रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। मगर सरकार ने पहले तो ये मानने को बात में तैयार नहीं थी सरकार, और उसके बाद जब जोरदार हमने पूरा मतलब एनएलओ की तरफ से हमारी तरफ से पूरा मांग को किया गया और उसको पूरा जोरदार पूरे हाउस में ये बात कही गई, तो मुख्यमंत्री और ओम प्रकाश धनखड़ जी पशुपालन मंत्री हैं जो, उन्होंने इसका अपने लेवल पे सर्वे करवाया, टीम भी उन्होंने भेजी और उन सर्वे में उन्होंने ही कल ये रिपोर्ट दी अपने मुंह से ये बोला कि 200 पशुओं की मौत हो चुकी है जिनमें 48 पशु जो दुधारू हैं। बल्कि अभी मैं गांव का जैसे दौरा कर रहा हूं तो दुधारू पशु ज्यादा हैं, तो मैं आप मीडिया वाले भाइयों के माध्यम से भी ये सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा कि जो दुधारू पशु उनकी संख्या ज्यादा है और मुआवजा जो है वो मुआवजा बढ़ा के 1,00,000 रुपया मुआवजा दुधारू पशु का और जो दूसरे पशु हैं 25,000 रुपए का मुआवजा वो सरकार को करना चाहिए। रणनीति तो स्पष्ट और क्लियर है कि हमने ये पूरे हाउस में ये मुद्दा उठाया और सोमवार को जैसे मेरे को कोई टाइम मिलता है अपनी बात कहने का तो मैं उसमें ये मुआवजे की जो राशि है उसमें ये बात जरूर कहूंगा कि ये मुआवजा जो बढ़ाया जाए और किसानों को जो इस बीमारी का है उसको कंट्रोल किया जाए, चाहे वो टीमें हरियाणा पशुपालन विभाग से भेजे, चाहे अगर हमें मदद लेनी पड़ती है और स्टेटों की या कहीं बाहर से कहीं से भी मदद लेनी पड़ती है डॉक्टरों की, तो ये सरकार की एक जिम्मेवारी बनती है अगर प्रदेश में कोई भी ऐसी घटना होती है उसको कंट्रोल करना, उस बीमारी को वो सरकार का कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और सरकार इस चीज से भागे ना बल्कि आगे आके पब्लिक का साथ करे, सहयोग करे। चलिए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। ये खबर है किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर देने वाली है, क्योंकि जिला प्रशासन सिरसा ने एक ऐसी ऐप का उद्घाटन किया है, ऐसी ऐप एक लॉन्च की है जिसमें किसान अपने खुद के उत्पाद ऑनलाइन बेच सकता है। आज तक आपने दुकानों और बड़े बड़े शोरूमों को अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचते हुए देखा होगा, लेकिन यह पहला मौका होगा जब किसान भी अपनी सब्जी और फलों को ऑनलाइन बेच सकता है। जी हाँ, किसान फ्रेश ऐप लॉन्च किया गया। खारिया जब मेला लगाया गया था कृषि विभाग द्वारा, तो उस मेले के अंदर जिला उपायुक्त शरणदीप कौर ने ऐसी ऐप का लॉन्चिंग की जिसमें किसान अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेच सकता है। क्या है इस ऐप में खास, किस तरह से किसान इस ऐप का यूज कर सकता है, किस तरह से किसान इस ऐप के माध्यम से अपने सब्जी व फलों को ऑनलाइन बेच सकता है, आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। सिरसा जिला प्रशासन की पहल पर कृषि विभाग ने किसान फ्रेश ऐप तैयार किया गया है। आपको बता दें कि इस ऐप के जरिए किसान सीधे अपने उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकते हैं। प्रदेश में यह अपनी तरह का पहला किसान हितेशी ऐप है जिसे प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयार करवाया है। सिरसा के गांव खारिया में किसान विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत आयोजित किसान मेले में इस किसान फ्रेश ऐप को लॉन्च किया गया। उपयुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने इस ऐप को लॉन्च करते हुए उसकी खूबियां गिनवाई। ऐप के जरिए विशेष रूप से फसल फल और सब्जी उत्पादक किसान लाभान्वित होंगे। ऐप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करके किसान सीधे अपनी फसल का विवरण पोस्ट कर सकेंगे। शरणदीप कौर बराड़ ने बताया कि इस ऐप से जुड़कर निश्चित रूप से क्षेत्र के किसानों को ऑनलाइन अपनी सब्जियां और फल इत्यादि उत्पाद बेचने में सहायता मिलेगी, भाव भी बढ़िया मिलेंगे, साथ ही बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। उन्होंने जिला प्रशासन और कृषि विभाग के इस कदम को किसानों के लिए तकनीकी क्रांति वाला कदम बताया। हेमराज बेट के साथ की हरियाणा। अपने मोबाइल से ही कोई भी योजना है, वो बीज की योजना हो सकती है, भाई विभिन्न स्थानों पर जाकर के जानकारियां, इसके साथ हमारे बीच उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान प्रदीप दहिया जी लवनी के साथ इसमें अपनी भूमिका निभाए। यहाँ पर हुए हैं जिनमें से डॉक्टर सतवीर शर्मा जी, जिन्होंने बागवानी विभाग के बारे में, फीचर इंजीनियर है जो कि कृषि के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाली मशीनों के बारे में, उनके महत्व के बारे में, शिक्षा की तरफ से वो हमें आने वाले समय में नरमा और कपास फसल के बारे में किस प्रकार की बातों का ध्यान रखना है, इससे बाहर के कहीं पे बैठा करेगा डायरेक्ट उस
आलिया गांव के किसान कमलेश के पास फोन करके मोल भाव करके उस उत्पाद गेहूँ हल्की मुल्क दवाइयों से मदद है। फिर भी अगर आपका ये 12,25,000 देखिए फार्म फ्रेश के नाम से एक ऐप लॉन्च करा गया है जिसमें किसान भाई अपने आपको रजिस्टर कर सकते हैं और जो भी कस्टमर है उपभोक्ता है जिनको कुछ भी खरीदना है फार्मर से जैसे फ्रूट हो गए सब्जी होगी ग्रेन्स हो गए वो डायरेक्टली उनको ऐप से कॉल कर सकते हैं और वो कॉल फार्मर को जाएगी और वो आपस में रेट तय करके जो भी उनको लेना है वो फार्मर उसको उनको डिलीवरी करवा देगा। बहुत बड़ा लाभ होगा फार्मर को भी और कस्टमर को भी क्योंकि फार्मर के लिए ये रहेगा कि उनको जो अभी वो मंडी में लेके जाता है अपना जो प्रोडक्ट है वो उसको लेके जाने की जरूरत नहीं है तो बिचौलिया का जो रोल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। डायरेक्टली फार्मर और कस्टमर का लिंकेज हो जाएगा। कस्टमर को भी लाभ रहेगा कि उसको जो भी चाहिए घर बैठे बैठे फोन करके वो ले सकता है अपनी चीजें वो भी फ्रेश सीधी फार्म से उसको मिलेंगी तो दोनों ही पार्टीज को लाभ होगा इसमें और मुझे लगता है कि ये ऐप बहुत सक्सेसफुल रहेगा सिरसा में। जो जिला स्तरीय जो कृषि मेला लगाया गया खारिया में उसमें हमने फसल विविधीकरण के बारे में बताएंगे और दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं एनिमल हस्बेंड्री है बागवानी है हमारे जो CICR से साइंटिस्ट हैं वो खरी जो रबी की फसलें मौजूदा जो क्या क्या प्रॉब्लम है उनके बारे में भी और जो आने वाली खरीफ की फसलें हैं कॉटन है ज्वार है उनके बारे ग्वार है उनके बारे में मेनली साइंटिस्ट या किसानों को नई तकनीक के बारे में जानकारी देंगे और जो आप देख रहे हैं ये स्टालें लगाई जा रही हैं विभिन्न कंपनियों द्वारा इसमें भी किसानों को आने वाले बीज के बारे में और नई जो जो पेस्टिसाइड है उनके बारे में भी किसानों को जानकारी दी जा रही है। ऐसा है हमने जो अचीवमेंट है करीब तकरीबन हम 31 मार्च तक सोयल हेल्थ कलेक्शन का कार्य तकरीबन पूरा कर लेंगे और जो सोयल हेल्थ जो कार्ड प्रिपेयर है जो लैब है उसमें भी 31 तक पूरा कर लिया जाएगा वो जोरों पर कार्य चल रहा है। ये है किसानों को जो हम सोयल हेल्थ कार्ड जारी करेंगे उसमें किसानों को बताया जाएगा कि आपकी जो मिट्टी है उसमें किस तत्व की कमी है और आपने किस मात्रा में कितनी खाद उसमें अकॉर्डिंग टू फसल उसमें डालनी है ये किसानों को अवगत करवाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली गतिविधि की ओर और ये गतिविधि है मंडी डबवाली से। मंडी डबवाली के राजकीय नेशनल महाविद्यालय में लगातार 21 दिनों से धरना दे रहे एक्सटेंशन लेक्चररों ने मांग की है कि सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा करे। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप गदराणा ने भी एक्सटेंशन लेक्चररों के धरने का समर्थन किया और सरकार से मांग की है कि एक्सटेंशन लेक्चररों की मांग जल्द से जल्द मानी जाए। गांव डबवाली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय कॉलेज में 21वें दिन एक्सटेंशन लेक्चरर धरने पर रहे जहां अपनी मांगों को पूरा न किए जाने के विरोध में लेक्चररों ने प्रशासन के प्रति नारेबाजी कर रोष जाहिर किया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप सिंह गदराना ने भी एक्सटेंशन लेक्चरर धरने का साथ देने के जरिए पूरा दिन उनके साथ बिताया और उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार अनदेखी कर रही है और सरकार उनकी जायज़ मांगों को पूरा करने में इतना समय लगा रही है तो समाज में फैली बेरोजगारी को कैसे खत्म करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों को पढ़ने के लिए रोजाना नई नई स्कीमें जारी करती है जिससे उनका कार्यभार दो गुना हो जाता है जबकि वह उनकी स्कीमों को बिना विरोध किए उन पर अमल करते हैं परंतु लेक्चरारों को उनकी मेहनत के अनुसार वेतन देने से कतरा रही है। वहीं कुलदीप सिंह गदराना ने बताया कि धरने पर बैठे हैं और सरकार इनकी जायज मांग और बिल्कुल गंभीरता से विचार नहीं कर रही। जो आज हरियाणा के लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में ये सरकार निकालने का काम कर रही है और हम पूरे जोर शोर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ दिन पहले हमारे प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तमर जी भी सिरसा के नेशनल कॉलेज में धरने स्थल पर गए और उन्होंने भी सभी साथियों को आश्वासन दिया कि हम विधानसभा में भी आपकी मांग को लेकर पूरी गंभीरता से उठाएंगे और प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया में भी आपकी मांग का पूरा समर्थन करेंगे और हम हमारे सभी साथियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि 21 दिन लगातार धरने पे बैठे लाखों बच्चों का विद्यार्थियों का जो एग्जाम का टाइम नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा
कि सरकारी कॉलेज में लगातार 21 दिन से एक्सटेंशन लेक्चरर धरने पर बैठे हैं और सरकार इनकी जायज मांग पर बिल्कुल गंभीरता से विचार नहीं कर रही। जो आज हरियाणा के लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में ये सरकार धकेलने का काम कर रही है और हम पूरे जोर शोर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ दिन पहले हमारे प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर जी भी सिरसा के नेशनल कॉलेज में धरने स्थल पर गए और उन्होंने भी सभी साथियों को आश्वासन दिया कि हम विधानसभा में भी आपकी मांग को लेकर पूरी गंभीरता से उठाएंगे और प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया में भी आपकी मांग का पूरा समर्थन करेंगे और हम हमारे सभी साथियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि 21 दिन लगातार धरने पे बैठे लाखों बच्चों का विद्यार्थियों का जो एग्ज़ाम का टाइम नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा, सरकार जल्दी से जल्दी इनकी जो सभी मांगें हैं पूरी करे ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। एक्सपीरियंस की मैं समझता हूँ सरकार है और इनको किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, ज्ञान नहीं है। कुछ दिन पहले हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर श्री रामविलास जी शर्मा उन्होंने इनको 10 अक्टूबर को 18 से 25 हज़ार सैलरी बढ़ाने की घोषणा की थी, जो आज तक कहीं भी लिखित में किसी भी कॉलेज में इनके पास कोई लेटर नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से और ये बिल्कुल बचकानी बातें कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर हरियाणा और हम इसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो इनकी मांग है पूरी की जाए। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चोरों ने कुछ दिन पहले जहां खेतों में लगी मोटरों से ट्रांसफार्मर चोरी किए थे, उसके बाद सरकारी स्कूलों व आंगनवाड़ी केंद्रों को अपना निशाना बनाया था, तो वहीं अब कल देर रात चोरों ने गांव बिजुआली में दर्जन भर दुकानों के ताले तोड़ने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने दर्जन भर दुकानों के ताले तोड़ कुछ दुकानों से नकदी भी चुराई है और कुछ दुकानों से सामान पर हाथ साफ कर दिया। इससे ग्रामीणों व दुकानदारों में रोष का माहौल है और उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि लगातार बढ़ती जा रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए ताकि दुकानदार व ग्रामीण चैन की नींद सो सकें। गाँवों में हो रही चोरी की घटनाएँ थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीती रात भी गांव बिजवाली के बस स्टैंड पर स्थित करीब 12 दुकानों के ताले तोड़ अज्ञात चोर नकदी सहित सामान चोरी करके ले गए। जानकारी के अनुसार गांव बिजवाली में बस स्टैंड के दुकानदार जब सुबह दुकानों पर आए तो देखा कि उनकी दुकानों के ताले टूटे पड़े हैं। जब आसपास छानबीन की तो पाया कि उनके अलावा अन्य कई दुकानों के भी ताले टूटे हुए हैं। दुकानदारों ने बताया कि दुकानों पर पहले भी कई बार चोरियाँ की घटनाएँ हो चुकी हैं, हालाँकि उनका अभी तक कोई पता नहीं चला। ऐसे में बीती रात को हुई चोरी की घटनाओं को लेकर ग्रामीण व दुकानदारों में पुलिस के प्रति भारी रोष देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस ने दुकानदारों की शिकायत पर मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। दुकानदारों व ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उनके गाँव में पहरेदार की व्यवस्था की जाए ताकि गाँव में चोरी जैसी घटनाएँ दोबारा ना हों और दुकानदारों को परेशानी का सामना करना ना पड़े। वहीं गाँव के सरपंच अनिल अनेजा ने कहा कि पंचायत की ओर से जल्द ही दुकानदारों एवं ग्रामीणों के सहयोग से पहरेदार की व्यवस्था की जाएगी। एगिया चोर और इसके लिए हमने ग्राम पंचायत बिजवाली की तरफ से नज़दीकी गोरेवाला चौकी के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और वो अपनी कार्रवाई शुरू कर रखी है उन्होंने और हम पंचायत की तरफ से और इन दुकानदारों को आज बुलाकर शाम को मीटिंग करेंगे और आगे से हम इसके लिए एक चौकीदार की व्यवस्था भी की जाएगी कि ताकि हमारे गाँव के अंदर कोई और हादसा ना हो और कोई भी घटना घटित ना हो। हमारे गांव बिजवाली में रात को 10 बार दुकानों के ताले तोड़ दिए गए हैं, तो इसमें कुछ दुकानों का नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि यहां पर कोई चौकीदार की व्यवस्था की जाए। और हमारे यहां ये पहली घटना नहीं है, हमारे गांव में स्कूल में भी कई बार चोरी हो चुकी है और
जो बैंक हमारे साथ में लगता है, बैंक में कई बार चोरी हो चुकी है, ताले तुले टूट गए हैं जी। तो मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ, पहली बात तो ये पुलिस की गश्त की जाए यहाँ बिजवाड़ी के अंदर। तो पुलिस भी कोई ध्यान नहीं दे रही है, कितनी बार हमने इनको बोल दिया है, और बिजवाड़ी के अंदर जो भी अड्डा है उसके ऊपर कोई चौकीदार की व्यवस्था की जाए। कल रात हमारे यहाँ बिजवाड़ी बस स्टैंड पे चोरी की वारदात हुई है, इसमें 12-13 दुकानें हैं जो ताले टूटे हैं, और प्रशासन से मांग है कि चौकीदार रखा जाए और पुलिस गश्त भी बढ़ाई जाए जो कि चोरी की वारदात को रोका जा सके। मैं नटू मंडी, और हमारे गांव में जो आज चोरी हुई है, आज की एक और भी घटना नहीं है, 2-3 घटना पहले हो चुकी है। हम प्रशासन से कई बार मांग कर चुके हैं कि हमारे यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, और दुकानों पे जो चोरियाँ होती हैं ये वारदात घटनी चाहिए, और हम प्रशासन से हर बार मांग करते हैं कि चौकीदार की व्यवस्था होनी चाहिए, पैरा भी रखवाना चाहिए। हम दुकानदार हैं, बंदे हैं, दुकानदार की तरफ से कह रहे हैं कि व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, हाँ, ताकि दुकानदारों का नुकसान ना हो, और अड्डे पर भी पहरेदार व्यवस्था हो, क्यों रास्ता पड़ता है कुछ ना पूछे भाई साहब कौन सा गांव है, बता दीजिए बिजवाड़ी है, और किसी जाने पहरेदार होगा तो वो बता देगा भी यहाँ इधर जाना उधर जाना, पता लगता है कौन किधर जा रहा है कौन किधर आ रहा है। गांव अहमदपुर दारेवाला में चल रही भागवत कथा का आज 5वां दिन है। इस दौरान अनेकों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। इस भागवत कथा के अंदर गांव गोदिका दारेवाला सहित अनेकों गांव के श्रद्धालु बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं का इस कथा के बारे में क्या कहना है, आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। गांव अहमदपुर दारेवाड़ा की श्री राधा कृष्ण गौशाला में आयोजित श्रीमद भागवत कथा के 5वें दिन मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता सतीश जग्गा व बलदेव सिंह मांगियाना पहुंचे। इस दौरान गांव सहित आसपास के गांव से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं कथा के दौरान श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए बीच बीच में विभिन्न प्रकार की झांकियां भी दिखाई जाती है, जिसका श्रद्धालु खूब आनंद उठाते हैं। आज सुनो उसी रास्ते में बैठा हुआ है, आज आगे आगे हम ग्वाल बाल हुआ, उस ग्वाल बाल के पीछे बचने और बचने के पीछे का नहीं आता। लेकिन एक वर्ष के बाद ये ग्वाल बाल आकर के नंदरानी मैया से कहे थे, बोले मैया तेरी लाल समझ नहीं आई, बोले कौन सी, बोले गुरु जी आपने तो कहा कि अगासुर आ जा रहा है। प्रोग्राम के बारे में बोलना क्या, कथा के बारे में? कथा के बारे में बोलना। आज यहाँ गांव अहमदपुर दारेवाला में कथा में आने का मौका मिला, और बड़े बधाई के पात्र हैं इस गांव के लोग, और आज के कार्यक्रम को आयोजन करने वाली समिति, और खास तौर पर आपका चैनल जो इस कथा को हर गांव में पूरे इलाका में पहुंचा रहा है। मैं समझता हूं कि आज जो समाज में गिरावट आ रही है वो केवल इसलिए आ रही है कि समाज में विचार नहीं रहा, नकारात्मक विचारों का प्रवाह ज़्यादा है, इसलिए समाज एक दिशाहीन होता जा रहा है। अगर ऐसे कार्यक्रम जो कथाएं हैं वो हर गांव में होने लग जाएं तो निश्चित तौर पर एक सात्विक विचार बहेगा, और जब सात्विक विचार बहेगा लोग सोचने पर मजबूर होंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस हिसाब से लोग चलेंगे तो पूरे समाज को ये दिशा मिलेगी। सब बहन माता बिना न राम राम, हम सुबह गौशाला में आती है 5 बजे, न
माता बहन सब रल के सेवा करती हैं और हमारे गांव में सत्संग कीर्तन होते रहते हैं। हम सुबह जाकर घर का काम धंधा करके रविवार को हम कीर्तन भी करते हैं घर घर में। जो भी पैसे आते हैं वो हम गौशाला के दान में लगा देते हैं और हमारा गौशाला बहुत अच्छा चलता है। और माता बहनों तुम भी गौशाला में आया करो, गौओं की सेवा कराया करो और अच्छे अच्छे प्रेम भाव से सब बहना मिलकर रहा करो और जिससे प्रेम ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ही अपना गौशाला बढ़िया चलता रहेगा। ये माता बहना से मेरी प्रार्थना है, आपके गाँव में बहुत अच्छा अच्छा काम चलाना चाहिए गौ माता से। हमारे गांव में गुरुद्वारेवाड़ा में 28 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक माधवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और हर साल किया जाता है। हमारे गांव ये गौशाला हमारे दारेवाड़ा फिरपुर और चकनानुपुरा और गोदिया की एक सांझी गौशाला है। सभी गांव से यहां श्रद्धालु पहुंचते हैं और सभी अपने गौ की सेवा करते हैं और जहाँ तक हमारे गाँव के युवाओं का सहयोग है तो काफी बड़ा सहयोग है। शायद कमी देखने को मिले कि गांव के युवा हो लेकिन हमारे गांव की गौशाला के अंदर सभी युवा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो गौशाला के अंदर सभी एक सूचना करने की जरूरत है, उसके साथ साथ ही हमारे गौशाला में पहुंच जाते हैं। हमारे गौशाला के अंदर काफी गायें हैं और तुड़ी की भी कमी चल रही है और उसके तो हमारे गौशाला के अंदर आप तुड़ी पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय, मैं अहमदपुर दारेवाला की गौशाला से बोल रही हूँ। यहाँ पर हमारे गांव में एक भागवत कथा चल रही है जिसमें बहुत लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग दान पुण्य बहुत दे रहे हैं और मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दान पुण्य किया जाए। हमें गौओं की सेवा करनी चाहिए और गौओं के लिए हमें तन मन धन निछावर कर देना चाहिए। मेरी सबसे यही दुआ है कि गौओं का दिया हुआ दान कहीं भी नहीं जाता, ये हमारे अगले जन्म में काम आएगा। जय गौ माता की जय। यह हमारे गांव अहमदपुर दारेवाड़ा में श्री राधा कृष्ण गौशाला के नाम से है। यहां हर साल कथा होती है, श्रीमद् भागवत कथा होती है और यहां ये कई गांव से जुड़ी हुई कथा है। हर एक गांव से लोग आते हैं कथा सुनने के लिए और हर साल की तरह अब की बार भी कथा हुई है। इस कथा से भाईचारा बढ़ता है और गौओं के प्रति श्रद्धा भी बढ़ती है। हमारी गौशाला में युवा लोग बहुत आते हैं और हमारी तरफ से एक मैसेज है, जहाँ भी किसी भी गाँव में अगर गौशाला है तो गौओं की बद से बस ज्यादा से ज्यादा सेवा करें जी। गौओं की सेवा करोगे तो इसी में फायदा जी। तो दोस्तों आज की डेली हलचल में बस इतना ही। आप भी अगर के हरियाणा के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की गतिविधि को के हरियाणा के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, के हरियाणा के साथ मिलकर सहयोग से चलना चाहते हैं, तो के हरियाणा हमेशा आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए तत्पर खड़ा है। आप अपना फ़ोन उठाइए और व्हाट्सएप कीजिए हमें दिए गए नंबरों पर और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। के हरियाणा हर प्राथमिकता से हर आपकी एक खबर को उठाएगा, ये हमारा आपसे वादा है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए के हरियाणा। नमस्कार।